हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट की तरफ से 300 पदों पे चपरासी परमानेंट जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो यहां पे जारी कर दिया गया है। तो मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं क्या योग्यता चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, सिलेक्शन आपका कैसे होगा, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, लास्ट डेट फॉर्म बनने की क्या है, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले ताकि घर बैठे सभी प्रकार के भर्तियों का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलता रहे, आप मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट यहां पे प्यून यानी कि चपरासी भर्ती, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 300 यानी कि दोस्तों आपकी जो 300 पदों पर वो भर्ती होने वाली है। यहाँ पे अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 243 पद, एससी एसटी बीसी के लिए 30 पद और ई एक्स सर्विसमैन के लिए आप है दोस्तों 15 पदों पे भर्ती है। प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज वाले हैं, लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी के 3 है, अपर लिम्ब डिसेबिलिटी के यहाँ पे 3 है, फिर इम्पेयर्ड हेयरिंग के 2 हैं, लो विजन के 2 हैं। इसी तरह दोस्तों ये आपका ये कैटेगरी वाइज आपका जो डिसेबिलिटी उनको यहाँ पे इतने पद आरक्षित किए गए हैं। बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। तो दोस्तों ये आपकी जो भर्ती है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से निकाली गई है। यहाँ पे देखिए 25/8/2024 का दोस्तों नोटिफिकेशन है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 25/8/2024, लास्ट डेट है 20/9/2024। 20 सितंबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। 300 पद पे भर्ती है ऑल इंडिया, कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। एज की बात करें देखिए 20/9/2024 से कैलकुलेट करना है, कम से कम 18 साल, अधिकतम 35 साल, ठीक है। बाकी दो डिसेबिलिटी एक्स सर्विस में उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे एज में छूट मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम मिडिल स्टैंडर्ड यानी कि 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको पास आउट होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे फीस के बारे में, जनरल एंड एससी एसटी बीसी, ठीक है, अदर स्टेट पंजाब हरियाणा जो हैं इनके लिए 700 है। फिर यहाँ पे देखिए एससी एसटी बीसी आप से पंजाब हरियाणा वाले जो हैं उनको 600 यानी कि अदर स्टेट वाले जितने हैं सब जनरल में जाएंगे तो उनको 700 रुपये फीस दोस्तों यहाँ पे लगने वाली, ठीक है। चलिए नीचे तरफ बात करेंगे, यहाँ पे आप देखो रिजर्वेशन वगैरह जैसे मिलता वो आपको मिलने वाला है। बाकी अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो वहाँ पर आपका जनरल फाइट होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। मोड ऑफ सेलेक्शन की बात करें, ऑल द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून शैल हैव टू फर्स्टली अपीयर इन द राइटिंग टेस्ट 100 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, ठीक है, पर्टेनिंग टू जनरल नॉलेज, जनरल एवरेज, करेंट अफेयर्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी विथ नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे दोस्तों 150 क्वेश्चन आने वाले, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सिलेबस यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज में पेपर रहेगा, आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट का टाइम होगा यानी कि 1.5 घंटे में आपको पेपर करना है। मिनिमम 50% मार्क्स बाई कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी यानी कि 50% नंबर लाना आपको अनिवार्य है, यह आपको ध्यान रखना है। एस सी एस टी बाकी जो है उनको 45% यहाँ पर नंबर लाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आफ्टर द राइटिंग टेस्ट, मतलब जब आपका एग्जाम हो जाएगा, कैंडिडेट इक्वलेंट टू 10 टाइम्स कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ऑफ द एडवर्टाइज वैकेंसी इन ऑर्डर दियर मेरिट इन राइटिंग टेस्ट वुड बी कॉल्ड फॉर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, यानी कि दोस्तों आपका उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए 800 मीटर की जो है वो आपकी यहाँ पे रेस लॉन्ग जंप एंड हाई जंप होने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे क्या है यहाँ पे देखिए फिजिकल के लिए दिया है, कैसे फिजिकल होगा तो मेल कैंडिडेट 800 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पर एज के हिसाब से, ठीक है, 18 से 30 साल के बीच में 270 सेकेंड, 30 से 35 साल के बीच में 310 सेकेंड, 35 से 40 साल के बीच में 350 सेकेंड, एज के हिसाब से यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर, यहाँ पे देखिए 290 सेकेंड 18 से 30 वालों को इसी तरह आपको दोस्तों मिलने वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉन्ग जंप, ठीक है, लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पे दिया गया है, कैसे आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप करना है। फिर यहाँ पे देखिए हाई जंप, ठीक है, हाई जंप का भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो फाइनल वो सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप देखिए फॉर्म आपको कैसे भरना, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, हाई कोर्ट, ठीक है, csd.gov.in, जिसकी वेबसाइट का लिंक हम अपने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे देंगे, आप यहाँ से आके फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है।
तो इसके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑल इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लगभग लगभग सभी चीज़ों को मैंने बता दिया, योग्यता क्या है, एज क्या है, ठीक है, और आपका कितनी आपको जो है फीस लगने वाली है, प्लस आपको सिलेक्शन कैसे होगा, डिटेल में मैंने दोस्तों सब कुछ बता दिया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है आपको किसी भी प्रकार की इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप मुझसे दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो दोस्तों जो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर प्रेस कर ले, ताकि भर्तियों से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।